खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में देवभूमि पत्रकार यूनियन खटीमा इकाई द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल व टीका लगाते हुए गले मिलकर एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत सिंह चुफाल ने किया। वहीं पत्रकारों ने होली गायन के साथ ही रंग गुलाल उड़ाकर होली कार्यक्रम का लुत्फ उठाया तथा खुशियां बांटी। साथ ही यूनियन के महासचिव दीपक यादव, सचिव गोरखनाथ तथा सुंदर बहादुर ने होली पर्व को सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक बताते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को होली पर्व को प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु अपील किया। वहीं देवभूमि पत्रकार यूनियन खटीमा इकाई के उपाध्यक्ष भरत सिंह चुफाल ने समस्त क्षेत्रवासियों और मीडिया कर्मियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि आज खटीमा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गई तथा खुशियां बांटी गई। वहीं उन्होंने होली पर्व को एकता, भाईचारा और आपसी सौहार्द का त्योहार बताते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाने हेतु अपील किया। इस दौरान यूनियन के संगठन मंत्री अशोक सरकार और यूनियन के कोषाध्यक्ष ईश्वर सिंह, आमिर अंसारी, सलीम कुरैसी, दिनेश कोरी, माया शंकर तथा आमिर सिद्दीकी सहित सभी पत्रकार मौजूद रहे। आज देवभूमि पत्रकार यूनियन की खटीमा इकाई की आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में होली मिलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है देवभूमि पत्रकार यूनियन के सभी पत्रकार बंधु मौजूद थे, जहां हमने आपसी भाईचारे के साथ होली मिलन कार्यक्रम किया गया। इसके साथ साथ मैं सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामना देता और देवभूमि पत्रकार यूनियन खटीमा इकाई की तरफ से खटीमा के समस्त क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ साथ में लोगों से एक अपील करता हूँ कि होली एक जो आपसी प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है और आपस में मिलकर सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं और एक विश्व बंधुत्व की भावना आपस में काम करें। धन्यवाद।